पाकिस्तान टीम इस वक्त फ्रेंडशिप पे चल रही है, सारे दोस्त बडीज दे आर पुटिंग टुगेदर राइट। आज का मैच बहुत अच्छा था लेकिन इंडियन स्पोर्ट बहुत ज़्यादा थी, उसको देखते पाकिस्तान टीम अच्छी खेली लेकिन उतना अच्छा नहीं खेली जितना वो खेली। बीच में 119 रन बनाने को इतना मुश्किल नहीं था। तो कहाँ गलती की पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने गलती करी इंडिया से मैच खेल के। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट बड़ी। नहीं फिर भी चले मैच की बात कर लेते हैं। कहाँ मतलब आपको लगता है कि शुरू में लगता था पाकिस्तान जीत सकता है? पाकिस्तान डीप लेके जाने के चक्कर में थी। जब भी आप गेम ऐसी पिच पे डीप लेके जाएंगे आप आधे खुद ही वो हो गए। डिफेंसिव क्रिकेट खेली, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेली। जब वो 10 ओवर में आप 50 हो तो आप नेक्स्ट 5 ओवर में उसको करो ना, 2 विकेट ही गई थी उनकी। तो आप क्या समझते हैं वैसे एज अ इंडियन, आपका क्या सजेशन है पाकिस्तान टीम में, क्या चेंज क्या आने चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त फ्रेंडशिप पे चल रही है, सारे दोस्त बडीज दे आर पुटिंग टुगेदर राइट। दे हैव टू चेंज एवरीथिंग। आई थिंक बाबर से लेके ऊपर तक पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब ये चलेगा। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, टीम डेकोरम इज रिक्वायर्ड। दोस्तियां यारियां चल रही हैं, दोस्तियां जैसे आपका आजम खान पसीने से डॉलर साइन वो कर रहा है राइट। इट इज़ नॉट अ थिंग मैन, अपना करेंसी है डॉलर। पाकिस्तान में क्या वैल्यू है उसकी दुनिया जानती है, इंडिया में क्या वैल्यू है दुनिया जानती है, और आप उसके साथ ऐसे खेल रहे हैं, मीम्स हैं, लेट देम एंजॉय। क्या लगता है आपको पाकिस्तान टीम में, क्या लगता है आपको पाकिस्तान टीम में क्या बेहतर होनी चाहिए? पाकिस्तान टीम अच्छा खेलती है, प्लेयर्स भी टैलेंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत है। सर प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, अच्छा नहीं खेल पा रही है क्योंकि आई थिंक यूनिटी नहीं है एक तो, और ग्रुपिज्म बना हुआ है, और ऊपर से काफ़ी प्रेशर लेते हैं भाई क्योंकि बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं फालतू का। 112-113 रन बनाने हैं यार, इजी यू नो 15-20 ओवर में बना के खत्म करो यू नो, तो काफ़ी प्रेशर ले रहे हैं, बस यही है। आपको क्या लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए पाकिस्तान टीम में ताकि पहले चश्मे होता है? मुझे लगता है कि उतार लिए मेंटालिटी पहले तो चेंज करनी चाहिए। इंडिया टूर्नामेंट में आता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, पाकिस्तान आता है सिर्फ इंडिया को हराने के लिए। आई थिंक वो चेंज करना चाहिए और थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए और थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट खेले। मुझे लगता है अभी भी 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान, बाकी टीम्स बहुत आगे निकल गई हैं और जो उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो 90s की चल रही है अभी भी, मेरे को ये लगता है। बिल्कुल 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, दे स्टिल हैव ग्रुपिज्म, दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग डीप गेम, जबकि 112 का स्कोर है आप राइट। 112 में आप क्या कर, 118 का स्कोर आपको कुछ लगता है? I don't speak Hindi, I'm sorry, I only know English. He's from Bangladesh. Don't involve him. All good. Thank you. क्या लगता है कि कहां से मैच गया पाकिस्तान के हाथ से? ये हारा है, मैं बता सकता हूं कि बैटिंग में ये लोग यू नो लो थे, बट इट्स ओके, हम भी डिफीट करे, उन्होंने भी डिफीट करे, बहुत कुछ नहीं होना पहले। Never give up, you know, never give up. India never give up. जो भी ये बोल रहा है, आप क्या कहेंगे? जो भी ये बोल रहा है, agree with him. ठीक कह रहे हैं। Never celebrate before win, you know. Never celebrate before win, you know. Indian fans जो है काफी ज़्यादा जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि fans, पाकिस्तानी fans कितने sad होना बनता है उनका। पाकिस्तान जिस तरह आगाज़ किया, बज़ाहिर ये लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकती है, लेकिन उस तरह पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाई। भाईजान क्या कहेंगे आज के मैच पे? बढ़िया मैच थी, गुरु निवास हो एंडिंग मोर। तो कौन अच्छा खेला आपको लगता है? बुमराह मैन ऑफ द मैच, गॉड। पाकिस्तान ने कहां गलती की आप समझ रहे हैं? आई वो थोड़ा स्लो चले गए थे बीच के ओवर में, बट अदर वंडरफुल गेम प्लेयर थी। India, 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 India,